राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से रेगुलर फंक्शनिंग शुरू हो गई। जोधपुर व जयपुर पीठ में सभी पीठ अब सुबह 10:30 से शाम के 4:30 बजे तक बैठेगी। हालांकि मामलों में फिजिकली सुनवाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी विकल्प खुला रखा गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ अदालतों में भी अब सभी तरह के मामलों में साक्ष्य रिकॉर्ड में सुनवाई शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरा प्रदेश धूस रहा है। आंकड़ों में भले ही बीकानेर में रात का पारा सामान्य 5 डिग्री पर हो, लेकिन रात से लेकर दिन तक कंपकपी छूट रही है। आधी रात के बाद ही कोहरा छाने लगा, पूरा शहर कोहरे से ढक गया। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। सुबह 10 बजे तक कोहरे का असर रहा, धूप ने भी राहत नहीं दी। हवा में बर्फ घुली हुई महसूस हुई, बर्फीली हवाओं से हाथ पैर की उंगलियां सुन्न होने लगी। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने सोमवार को जोधपुर का दौरा किया। सोनी आज सुबह एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत, एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित और नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने उनकी अगवानी की। एसीबी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एसीबी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और फीडबैक लेने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो गई है। सोमवार को 12 वैक्सीनेशन बूथों और इससे जुड़े कोल्ड चेन पॉइंट का अंतिम निरीक्षण हो रहा है। इसी दिन प्रीमियम हॉस्पिटल में प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 डॉक्टर्स को बुलाकर यह सिखाया जाएगा कि वैक्सीन के दौरान किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या और कैसे उपचार करें। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI की ये ट्रेनिंग देने के साथ ही ब्लॉक, जिला मुख्यालय पर उपचार, एम्बुलेंस के विशेष बंदोबस्त भी तय किए गए हैं। जोधपुर शहर के निकटवर्ती नागौरी बेरा मंडोर एरिया में रहने वाली एक छात्रा को ऑनलाइन लहंगा बुक करवाना महंगा साबित हो गया। लहंगा मिला नहीं और रिफंड के 199 रुपये मांगे जाने पर किसी छात्री ने गूगल पे से उसके खाते से 99,000 से ज्यादा की रकम साफ कर ली। पीड़िता प्रेक्षा पांडे ने अब मंडोर पुलिस की शरण ली और केस दर्ज करवाया है। बीकानेर में रोज मर रहे पक्षियों की मौत पर बर्ड फ्लू की आशंका बनी हुई है। सभी को रिपोर्ट का इंतजार है कि कहीं पक्षियों में H5N1 वायरस तो नहीं। यदि H5N1 वायरस की पुष्टि होती है तो इंसान के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद भी पशुपालन विभाग के पास बचाव के लिए कोई साधन नहीं है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मुर्गी पालन केंद्रों से लेकर पक्षियों के झुंड वाले इलाकों को इंसानों को दूर रखा जा सकता है। अब तक 154 पक्षियों की असामयिक मौत हो गई है, जिसमें सर्वाधिक कौवे हैं। जोधपुर बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित मिस्टर जोधपुर प्रतियोगिता का खिताब हितेश गहलोत ने जीता। जोधपुर बॉडीबिल्डिंग संघ के अध्यक्ष अकबर अंसारी ने बताया कि ऋषि फिटनेस जिम में प्रतियोगिता राजस्थान बॉडीबिल्डिंग एसोसिएशन के चयन कमेटी के चेयरमैन SL खन्ना के सानिध्य में आयोजित की गई। बीकानेर ब्लॉक की 65 शिक्षिकाएं महिला मंडल स्कूल में सेल्फ डिफेंस के गुर सीख रही हैं। 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिक्षिकाएं स्कूल में छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देंगी। MT ज्योति प्रभा सोलंकी और ऋतु राठौर ने बताया कि महिला मंडल स्कूल में ट्रेनिंग के 2 बैच चल रहे हैं। प्रशिक्षण प्रभारी पृथ्वी लेखा ने बताया कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों की 65 शिक्षिकाओं को 14 जनवरी तक ट्रेनिंग दी जाएगी। फिट एंड ग्लैम का दूसरा ऑडिशन जोधपुर के होटल फर्न में हुआ। आयोजक डॉक्टर सोलन परिहार ने बताया कि इस ऑडिशन में 15 कंटेस्टेंट ने भाग लिया। रैंप वॉक और इंट्रोडक्शन राउंड के आधार पर सिलेक्शन किया गया। शो का फिनाले होटल ताज में मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा। बीकानेर में कोटगेट सत्ता बाजार में मिठाई की एक दुकान में आग लग गई। आग से मिठाई के खाली डिब्बे जल गए। भीड़भाड़ वाले इस इलाके में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। करीब 40 मिनट बाद निगम की दमकल मौके पर पहुंची। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। KEM रोड व्यापार समिति के अध्यक्ष श्याम मोदी, सावधान संस्था अध्यक्ष दिनेश सिंह भदौरिया ने आग बुझाने में सहयोग किया। जोधपुर के पाल रोड स्थित पाल बालाजी मंदिर की ओर से शहर की विभिन्न गौशालाओं में 51 क्विंटल लापसी का वितरण किया गया। मंदिर के महंत रामेश्वर दास ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाले गुड़, गेहूं और अन्य खाद्य अनाजों से लापसी बनाई जाती है। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी एवं अग्रवाल पंचायत जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति पर होने वाले 81वें रक्तदान शिविर के बैनर का विमोचन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी ने किया। उन्होंने रक्तदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी मोबाइल के माध्यम से उद्घाटन किया। बीकानेर के नाल गांव में एक सरकारी अस्पताल के बरामदे की पट्टियां रविवार देर रात जल गई। इस दौरान वहां कोई नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। आमतौर पर अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। घटना के बाद गांव के लोगों में संबंधित निर्माण एजेंसी के खिलाफ आक्रोश है। घटना रात करीब 1:30 बजे की है, जब अस्पताल में बने हॉल की पट्टियां एक के बाद एक गिरने लगी। इस हॉल में मरीजों को भर्ती भी रखा जाता है। दिन में घटना होती तो कईयों को नुकसान होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।